आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफर्ड, ये और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और, हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख दो लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल तक दुनिया को सीख देती रही। लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैली इस साइट में नजर आते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी बीसी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी तक महाविहार बन चुका। अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर्स ने पढ़ाया, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से, अनेक प्रांतों के लोग इस जगह पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर इंसान कहेगा, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया।